नाजियत लुक क्रिएट किया है। इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस जस्ट थोड़ा सा हमने ब्लश ऑन लगाया, काजल, मस्कारा और हल्के से लिप बाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल, आप सबको मेरी तरफ से, एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और आज ईद का पहला दिन है, 11 बज रहे हैं और हमें जाना है। मेरी छोटी नंद है दुआ, उनके ससुर की डेथ हो गई थी, उनकी पहली ईद है तो हमें ताज़ियत करने जाना है। फिर उसके बाद हम घर आएंगे, फिर अपनी नंद के यहाँ जाएंगे, जो बड़ी नंद है निदा हमारी, उनके यहाँ ईद की सुबह की दावत होती है दोपहर की। कई सालों से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं तो इसलिए सारे इवेंट्स आप लोगों को पता होंगे कि पहले कहाँ जाते हैं, शाम में कहाँ जाते हैं और दूसरे दिन हमारे यहाँ कौन आता है, ये सब चीज़ें तो आपको पता है। तो हम पहले दिन तो निदा के यहाँ जाते हैं दोपहर में, और शाम में फिर यहाँ आके अपनी अम्मी के यहाँ यानी भाई भाभी के यहाँ जाएंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं दुआ के यहाँ ताज़ियत के लिए, इसलिए थोड़ा सा ताज़ियत लुक क्रिएट किया है। इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस जस्ट थोड़ा सा हमने ब्लश ऑन लगाया, काजल, मस्कारा और हल्के से लिप बाम। बस इसके साथ ही अब मैं जा रही हूँ, बस हम निकलेंगे क्योंकि मलीर में रहती है दुआ तो बहुत दूर है, इसलिए थोड़ा सा लंबा सफ़र है, हमें जल्दी जाना है तो जल्दी आना भी है। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम सब जा रहे हैं ताज़ियत के लिए, और देख ले दुआ भी है, सॉरी निदा भी है और सफर भी है, दोनों सन क्लास हुआ। तो बस हम चार लोग जा रहे हैं और थोड़ी देर बैठेंगे, 12 बज रहे हैं, निकलते हुए थोड़ी सी देर हो गई है, गर्मी बहुत है बाहर, और बस अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस जाने आने का ही टाइम लगेगा हमें, बैठना तो वहाँ थोड़ी देर है। और निदा शेर खुरमा बना के यहाँ से फिर मैं घर गई और थोड़ा बहुत टचअप किया है क्योंकि यहाँ मुझे निदा के आना था, तो सूट तो मेरा वही है जो मैं पहन के दुआ के यहाँ गई थी, ग्रीन कलर का। और फिर यहाँ आई हूँ, थोड़ा सा तैयार होके लिपस्टिक नहीं लगाया था दुआ के यहाँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ताज़ियत करने गई थी। तो घर गई, वहाँ से अपनी सास को लिया, बच्चों को लिया और फिर हम अभी निदा के आए हैं। तो हम ये छोड़ के मस्जिद चले गए हैं नमाज़ पढ़ने, और फिर दिखाऊँगी आपको मैं कि निदा ने क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या उन्होंने खाने में बनाया है, क्या क्या उन्होंने खाने में बनाया है। तो फिर अभी हम बातें करते हैं बैठ के, बहुत गर्मी है और उस हिसाब से मुझे मेरे कमरे पर डार्क लग रहा है, लेकिन खैर ईद है, ईद में तो सब कुछ चलना लगा दिया है। और ख़ास बात यह है कि आज जो सारा खाने का एहतमाम किया है लंच का, वो निदा की बहू अरीशा विशाल ने किया है, तो दम कीमा उसने मेरी बेटी की ख़ास फरमाइश पर बनाया है, और बहुत ही मज़े का आज का खाना था। और पुलाव, पुलाव भी बहुत ही क्या कहते हैं इसको, सादा पुलाव था लेकिन बहुत मज़े का पुलाव था ये तो। और हमें खुशी इस बात पे हुई कि बहू ने माशाल्लाह आज की तैयारी की है, अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है, और आज के ईद के पहले दिन की दावत हमारी उसने खुद की है, सब चीज़ें खुद बनाई है, शेर खुरमा भी, और शेर खुरमा है निदा ने बनाया, ये दम कीमा और पुलाव। मैं तैयार हो गई हूँ भाई भाभी के यहाँ जाने के लिए, ईद की रात है और ये मुझे मेरी बेटी ने तैयार किया है। हिजाब मैंने इस तरह से लिया है कि ये इयररिंग्स नज़र आए, क्योंकि हिजाब अगर पूरी लपेट लो तो इयररिंग्स नहीं पहन सकते हैं, लेकिन आज मैंने कहा मैं मैचिंग की मैं इयररिंग्स पहनूंगी, और ये एम्ब्रॉयडरी मैंने किया है अपनी शर्ट पे, और बैग भी अपने सूट की मैचिंग के साथ तैयार किया, वाइट और मैरून, और उसमें मोतियां लगाई हैं, मोतियां बल्कि मैंने टाक ली थी ताकि निकले नहीं, ग्लूगन से नहीं बल्कि मोतियां टाक ली थी मैंने, तो मैचिंग का मैंने बैग भी तैयार किया है। और ये एम्ब्रॉयडरी जो आस्तीन पे और गले पे और दामन पे मैंने तैयार किया, इसकी वीडियो बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा फेवरेट कलर है वाइट, बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने सूट पे वाइट चिकन के सूट पे एम्ब्रॉयडरी करूं, और मेरून दुपट्टे के साथ मैंने वेयर किया है, और बिल्कुल तैयार है, बस अभी चलते हैं, अभी 7 बज रहे हैं, भाभी के चलते भाभी के यहाँ, और अभी 9:45 हो गए हैं, बस अभी थोड़ी देर बाद खाना निकलने वाला है और हम सभी आ गए। सिर्फ मेरी एक भतीजी जो कि मलीर में रहती है, शीजा, वो नहीं आई जी, आप कुछ कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मीठी ईद पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इंतज़ार होता है बच्चों को ख़ास करके, वो ईदी, तो मेरी बड़ी आपा जान सबको ईदी दे रही हैं, तो बच्चे बड़े खुश हैं कि भाई अब एक के बाद एक उनको ईदी मिलेगी माशाल्लाह। हम खाला फूफों की तरफ से बच्चों को ईदी मिलेगी, कोई खाला के
ईदी दे रही होंगी, कोई फूफो ईदी दे रही होंगी। अब मेरी बारी है तो मैंने अपने दामादों को ईदी दी, अपनी भतीजियों को जो माशाल्लाह अब शादी हो गई है, दो भतीजी मेरी जिसके हमने वीडियोस ढेर सारी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और एक दिसंबर में फरवरी में, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि भाई उनको अब बहनोइयों की तरफ से भी ईदी मिलेगी। और मेरे भतीजा कह रहे हैं कि भाई हमें, मैंने भतीजे से कहा कि भाई अब तुम कमाने लगे हो, फूफुओं को भी ईदी दो। तो लेकिन माशाल्लाह ख़ास बात तो ये है कि मेरी बच्चे बड़े खुश हैं कि जो हमारी जो भतीजियां जिनकी शादी हो गई थी, जो कल तक पिछले साल तक ईदी वसूल करती थी अनमैरिड की सूरत में, अब माशाल्लाह शादीशुदा हो गई हैं तो वो अपने कज़न्स को ईदी दे रही हैं। और मेरा भतीजा भी, क्योंकि अब वो जॉब करने लगा है तो बड़ा हो गया है ना भाई, वो तो वो भी अपने छोटे कज़न्स सबको ईदी दे रहा है। लेने देने का सिलसिला ख़त्म हुआ ईदी का, तो भाभी ने खाना लगा दिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त आज का डिनर, लेग पीस रोस्ट तैयार किया है भाभी ने, जो कि शेरमाल ताफ्तान के साथ मटन कढ़ाई पुलाव और चिकन हांडी। चिकन हांडी तो पहले मैं समझती थी कि उस्मानिया रेस्टोरेंट की है, लेकिन हर चीज़ भाभी ने ख़ुद तैयार की। रोस्ट भी बहुत मज़ेदार था, जैसे पुलाव तो उनका होता ही स्पेशल, और प्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कि मैंने, जैसे हमेशा कहती हूँ कि भाभी की प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। सलाद हमेशा शमामा बनाया करती थी, लेकिन शमामा की तो शादी हो गई है, तो सलाद फिज़ा जो मेरी छोटी भतीजी है उसने तैयार की है, और आज का डिनर बहुत ज़बरदस्त, हर कोई तारीफ़ किए बिना नहीं रह सका। तो आज का डिनर भी हम सबको बहुत पसंद आया है, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ईद का पहला दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर मैं दूसरे और तीसरे दिन की ब्लॉग भी साथ शेयर करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए दूसरे और तीसरे दिन का मैं अलग से वीडियो तैयार करूँगी जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब खाना लग चुका है, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाके मैं खाना खाती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू।